धार समाज थाना अंतर्गत देवनाथपुरा क्षेत्र से श्री राम तारक आंधा आश्रम द्वारा संचालित कैलाश भवन में माता पिता और उनके दो जवान बेटों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चारों आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। सूचना पर एसीपी दास समेत अवधेश पांडे फोर्स और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों में 23 वर्षीय जयराज, 45 वर्षीय लावणिया, 50 वर्षीय कोंडा वर्पीय व 25 वर्षीय राजेश हैं। चारों ने नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाई। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन सहित तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच गए और अपने मातहतों से मिली जानकारी के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि आंध्र प्रदेश निवासी एक दंपत्ति अपने दो जवान बेटों के साथ यहां वाराणसी में पिछले 4-5 दिन से आए हुए थे। उन्होंने घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट तेलुगु भाषा में लिखकर छोड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लोग कर्ज में डूबे हुए थे और अंत में जब कोई चारा नहीं बचा तो आत्महत्या करने की बात लिखी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक दुखद घटना है, एक ही परिवार के चार व्यक्ति हैं, तीन पुरुष और एक महिला इस आश्रम में यहाँ रुके हुए थे और आज अभी इनकी, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी बॉडी छत से लटकी हुई पाई गई। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इनसे एक, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं चारों, और तेलुगु में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है जो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मैंने उसको स्वयं पढ़ा है। उसके अनुसार इनका कोई पैसे का विवाद था जिसको लेकर ये काफ़ी परेशान थे। इन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया तो उसकी जांच की। सर कहाँ पे ये पैसे का विवाद? आंध्र प्रदेश का, यहाँ का। सर तो ये और कुछ पता चल सका है कि सुसाइड किस चीज़ से किया गया है, जैसे कि कीटनाशक की महक आ रही है या हैंगिंग ही है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा, लेकिन जो विजुअली जो दिख रहा है वो स्पष्ट है कि चारों लोग छत से लटक रहे हैं। सर एक ही परिवार के हैं चारों लोग? जी एक ही परिवार के। क्या पिता, मतलब हस्बैंड वाइफ और दोनों? नहीं, बाप है, माँ है और दो बेटे हैं। दूसरे ओर श्री राम तारक आंध्र आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश का यह दंपत्ति अपने दो बच्चों के साथ पिछले 4 दिन पूर्व हमारे आश्रम में आए थे और कमरा लिए थे। कल अभी ये लोग आकर के कमरे का बकाया किराया आदि देने के बाद आज सुबह 9 बजे चेकआउट करने की बात कहकर चले गए थे। सुबह में सफाईकर्मी जब कमरे की सफाई करने के लिए पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था, तो सफाईकर्मी ने सोचा कि यह लोग अभी सोए हुए हैं और चली गई। लेकिन जब शाम को भी कमरा नहीं खुला तो आश्रम के कर्मचारियों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने इस बात की जानकारी तत्काल मुझे दिया और सूचना पाकर मैं भी मौके पर पहुंच गया। मैं भी कमरे की खिड़की से देखा तो अंदर चारों लोग फांसी लगाकर लटक रहे थे। इसके बाद मैंने इस बात की जानकारी तत्काल पुलिस को दी। पुलिस सूचना पाते ही तत्काल मौके पर पहुंच गई और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश कर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 3 तारीख को सुबह 11:30 बजे ऑफिस में पहुंचे तो लोग, उस समय उनको कमरा दे दिया गया। यहाँ आश्रम का ही शाखा है काशी कैलाश भवन। ये कल ऑफिस में गया था कि कल हम सुबह 9 बजे चेकआउट कर देंगे, तो आज सुबह चेकआउट नहीं किए। अपने कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ऊपर गए, देखे तो वो लग सकते सोए हैं, बोल के छोड़ दिए उसको। फिर शाम को जब देखे नहीं खुला है, उन्होंने देखा दरवाजा बंद है, खिड़की से देखा एक आदमी किसी को, उनको इस तरह से आभास हो गया है, तो हमको सूचना दिया। मैंने आगे देख के तुरंत मैंने पुलिस को खबर कर दिया। मैंने पिछले 4 दिनों से लोग, क्या किराया जो आपका यहाँ का भाड़ा होगा वो चीज़ें जो दे रहे थे, क्या वो सही सलामत में सबकी सही थी? हाँ सर, कल ऑफिस में आकर उन्होंने जमा करके रसीद ले लिया उन्होंने कि कल सुबह 7 तारीख को सुबह 9 बजे खाली करेंगे। तो सारी रसीद आपकी क्लियर थी, सारा पेमेंट भी आपका क्लियर? पूरा क्लियर। किसी प्रकार की इनकी ऐसी गतिविधि में लगा होगी, इनके पास कोई पैसे की दिक्कत हो या कुछ? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी कुछ नहीं।